तो जब से शाहरुख खान का बेटा आर्यन खान जेल में गया है, तब से पूरा बॉलीवुड एक होता दिख रहा है। तमाम लोग शाहरुख के घर मन्नत में पहुंचे और उन्हें सहानुभूति देते दिखे हैं। इसमें जो सबसे बड़ा और पहला नाम आया था वो सलमान खान का ही आया था। सलमान खान शाहरुख के घर पहुंचे और उन्हें उनसे बातचीत की और अपने उनके बेटे के लिए आगे क्या स्ट्रेटजी बनानी है, क्या करना है, उन सारी चीज़ों के बारे में डिस्कशन किया। इसके अलावा भी तमाम लोग जो हैं शाहरुख से मिल रहे हैं। कुछ लोग पोस्ट के जरिए शाहरुख को अपना सपोर्ट दिखा रहे हैं, आर्यन को अपना सपोर्ट दिखा रहे हैं। हाल ही में इसी सूची में ऋतिक रोशन की वाइफ सुजैन, एक्स वाइफ सुजैन भी सामने आई और सुजैन ने ये कहा कि आर्यन सिर्फ गलत समय पे गलत जगह पर थे और वो बुरे इंसान नहीं हैं, वो एक बच्चा है और उन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया है। अब दोस्तों, जो अटकने लगाई जा रही थी और जो विश्वास था खुद खान फैमिली को, वो ये कि कल का दिन जो है, कल का दिन उनके लिए एक अच्छा दिन साबित होगा और जो उनका बेटा है वो कल बाहर आ जाना चाहिए था। कल जो है बेल के लिए प्ली की गई थी, आप ये बात जानते हैं। इसके लिए शाहरुख ने एक बड़ा ही महंगा वकील भी हायर किया और उसको ये समझाया कि जैसे कैसे कल के दिन उसकी बेल करा देनी चाहिए, लेकिन तमाम दलीलों के बावजूद उस वकील की दलीलें नहीं काम कर पाई और शाहरुख के बेटे यानी आर्यन की जो बेल है वो कैंसिल हो गई और 7 तारीख तक के लिए उनकी रिमांड बढ़ गई। अब ये खबर जैसे ही सामने आई, वैसे ही शाहरुख के करीबी दोस्त करण जौहर और मनीष मल्होत्रा अपना काम छोड़कर वापस मुंबई लौट आए हैं। आपको बता दें कि करण और खुद मनीष भी किसी काम के सिलसिले में देश से बाहर किसी और देश में अपने काम को कर रहे थे और वहाँ पे उनका कुछ शूट चल रहा था, कुछ बिजनेसेस चल रहे थे। मनीष जो हैं वो एक फैशन डिज़ाइनर है और उसके लिए वो वहाँ पे गए हुए थे और जो करण जौहर है वो अपने किसी शूट के सिलसिले में बाहर गए थे। लेकिन जैसे ही खबर सामने आई कि शाहरुख के बेटे आर्यन को बेल नहीं मिली है और उन्हें जेल में ही रहना पड़ेगा, NCB की हिरासत में ही रहना पड़ेगा, वैसे ही खान फैमिली परेशान तो ज़रूर हुई, लेकिन उसके साथ जो उनके करीबी दोस्त हैं, तमाम बॉलीवुड के लोग हैं, वो भी परेशान हुए और इतना परेशान हो गए करण जौहर और मनीष मल्होत्रा की अपना काम काज छोड़कर वो अब मुंबई वापस लौटे हैं। अब देखते हैं कि आगे क्या होता है। अब 7 तारीख तक तो आर्यन जो है वो NCB की हिरासत में ही रहने वाले हैं, उसके बाद क्या होता है ये देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। फिलहाल के लिए इतना ही, नमस्कार।